नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि यहां से ब्रेकआउट दे सकता है और इसमें गजब की तेजी आपको देखने मिलेगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको HLE क्लास कॉट दिया था, उससे पहले एफएल इंडिया दिया था, आपको इसमें जबरदस्त रिटर्न मिल रहा होगा। आपको मैंने बताया था कि यहां पर जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा वीक्स बन रहा है, तो ये वीक्स बन रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाएगा, अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा लीजिएगा। जो भी सेफ ट्रेडर है, जिनको सेफ खेलना पसंद है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि ये 2500 रुपया से आपको देख सकते हैं 2800 से ऊपर जा चुका था, ये यहाँ लगभग 2946 मतलब 2950 के आसपास तक गया था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर लगभग 450 रुपया के आसपास, 400 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ मिला होगा। और नहीं मिला तो अभी भी आपको 335 रुपये का मिल रहा है, अभी आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन शेयर आपको हम बीच बीच में इस चैनल पर बताते रहेंगे जहाँ आप गजब का प्रॉफिट बना सकते हैं। उसी तरह से अभी आया है GMM फॉर्लर, ये भी काफी बेहतरीन शेयर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 20 डे का EMA है, 21 डे का, और यहाँ पर नीचे 50 डे का और 100 डे का, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। लेकिन इसमें अभी दिक्कत क्या है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर नहीं ब्रेक करता है तो इसके ऊपर जब निकलेगा ये इस प्राइस के 4747 रुपया मतलब 4750 पर जब ये ट्रेड करना शुरू करेगा, वहाँ पर सस्टेन करेगा तो आपको इसमें पोजिशन बनाना। अभी तो काफ़ी स्टॉक नीचे है, 4375 रुपया है, तो अभी ये काफ़ी जर्नी यहाँ पर तय करना बाकी है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल बना रहा है, लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है, छोटे छोटे ग्रीन कैंडल, तो इस तरह से जब ये अभी तो ये विक्स बना रहा है, विक्स मतलब ये कमजोरी दिखा रहा है कुछ, लेकिन यहाँ RSI काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। धीरे धीरे RSI हमारा 55 ऊपर जा चुका है, जैसे ये 60 के ऊपर जाता है RSI तो इसमें आपको यहाँ पर तेजी देखने में लगा। साथ साथ प्राइस एक्शन को जरूर फॉलो करना है, जैसे 4750 पर ट्रेड करना शुरू करता है, वहाँ पर सस्टेन करता है तो आप इसमें पोजिशन ले सकते हैं। और जो इसमें टारगेट होगा, हमारा सबसे पहला टारगेट, वो आप यहाँ के टारगेट के लिए जा सकते हैं 6000 के लिए, क्योंकि 6000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। उसमें यहाँ पर 5000 भी इसका रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन देखा गया है कि जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये 6000 तक जा सकता है। और यहाँ से जो गिरावट हुआ था पिछली बार, वो प्रमोटर्स के जो बिहेवियर था उसके कारण, प्रमोटर्स जो स्टेक सेल किया मात्र 3500 रुपये पर गया, जिसके कारण ये स्टॉक जो है 7000 का स्टॉक वहाँ से गिर करके आ गया था 3500 रुपये पे। तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इस स्टॉक में, क्योंकि जो गिरावट था वो टेम्प्रोरी बेस्ड गिरावट था, सिर्फ प्रमोटर्स का जो बिहेवियर था, जो OFS लाया था, OFS काफ़ी सस्ते प्राइस पर सेल किया, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट आया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसमें जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट देता है तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और जो टारगेट होगा, लगभग यहाँ से आपको 1300 रुपये तक का टारगेट आसानी से मिल सकता है। तो इस तरह के जो स्टॉक है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी में जब तक फंडामेंटल रूप से कोई वीकनेस नहीं आता है तो गजब का तेजी देखने मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे भी ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। जब तक इसमें ये OFS नहीं आया था तब तक ये स्टॉक देखते ऊपर ही जा रहा था, लगातार ये ऊपर रैली कर रहा था। तो ये दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, जो कि टेक्निकल चार्ट पे भी काफ़ी सॉलिड है, सिर्फ इस गिरावट को छोड़ दें तो। अब हम बात करते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल्स का, तो फंडामेंटल्स काफ़ी स्टॉक का बेहतरीन है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं skinner.in पर। फंडामेंटल्स को जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं यहाँ काफ़ी अच्छे से आपको मिल जाएंगे, सारे बेसिक फंडामेंटल्स के पैरामीटर। मार्केट कैप दे लीजिए इसका 6375 करोड़ है। करेंट प्राइस जो है स्टॉक का, वो तो आपने देख ही लिया कि 45 रुपये के आसपास है, और जो हाई है 52 वीक का वो 6914 रुपया है। और कंपनी का अगर डेट की बात करें, 61 करोड़ का डेट है, जो कि काफ़ी कम डेट है, मतलब खास डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है 379 करोड़ का, कोई भी प्रमोटर्स का होल्डिंग प्लेज नहीं है, और प्रमोटर्स के पास फुल होल्डिंग है 55% का। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 80 करोड़ का है, तो 80 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल सारे पैरामीटर्स जो है कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस कंपनी का काफ़ी बेहतरीन, 2009 में कंपनी का जो सेल्स था 202 करोड़ का था, और ये सेल्स बढ़ते बढ़ते हो गया हमारा 591 करोड़ का, और पिछले 12 महीने में ट्रेलिंग 12 मंथ में 674 करोड़ का नेट सेल्स है। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट है 11 करोड़ का था 2009 में, जो कि बढ़ करके लगातार बढ़ते जा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट 81 करोड़ का हो चुका है। तो यहां पर देखते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार जंप हुआ है, और सेल्स भी लगातार जंप हुआ है, तो सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट भी जंप हुआ है, जो कि काफी बेहतरीन और काफी सॉलिड न्यूज होता है एक शेयर होल्डर के लिए।
वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सॉलिड है। देख सकते हैं रिजर्व भी लगातार बढ़ा है, 2009 में 86 था जो कि लगातार कॉन्स्टेंट रूप से इंक्रीज करते हुए अभी 379 करोड़ हो चुका है, जो कि लगातार मतलब बेहतरीन होता गया है। अब बात करते हैं प्रमोटर्स के स्टेक का, तो प्रमोटर्स का स्टेक जो है लगातार 75% था जो कि मैक्सिमम हो सकता है किसी भी लिस्टेड कंपनी में, और उसमें से प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल कर दिया लगभग 20%, और इसी 20% के स्टेक सेल जो हुआ मात्र 3500 रुपये पर, जिसके कारण स्टॉक में 50% का गिरावट देखने मिला। मतलब आप 50% के करेक्शन पे इस स्टॉक को बाय कर सकते थे, या OFS में आप 3500 रुपये में स्टॉक को बाय कर सकते थे। तो ये सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं जो कि इस कंपनी का काफ़ी सॉलिड है और टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट देने वाला है, जो कि अब मैंने आपको वीडियो में बताया। तो इसी तरह के बेहतरीन स्टॉक अगर आप देखते रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जो कि हमें मोटिवेट करता है आपके लिए अगले वीडियो को बनाने के लिए। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।